तो दोस्तों ऑटो हो तो ऐसी हो, फाइनली मुर्गप्पा ग्रुप ने अपना इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लॉन्च किया है 6 सितंबर को, यानी कल नहीं परसों ही था। एक्चुअली कल वीडियो डालना चाहिए था लेकिन मेरे को कुछ काम रहने से वजह से वीडियो नहीं डाल पाया, तो फाइनली आज डाल रहा हूं। लेकिन यहां पे मुर्गप्पा ग्रुप के इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शे में नया डिजाइन, नया लुक, नया स्टाइल, नया हेडलाइट, नया डिक्की, सब कुछ नया है। बात करने के लिए बहुत सारा स्टफ है हमारे लिए और बहुत अच्छा काम भी कर रहा है मुर्गप्पा ग्रुप। तो इन सब के बारे में जानेंगे। जाने से पहले आप सभी लोगों का श्याबू गिल्स में बहुत बहुत स्वागत है। अगर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिया, और कुछ बोलना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला पड़ा हुआ है, तो जाके कमेंट कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं मंत्रा सुपर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के सभी स्पेसिफिकेशन, सभी डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मुर्गप्पा ग्रुप और मंत्रा इलेक्ट्रिक्स के बारे में सब कुछ मैं पहले ही एक वीडियो में कवर कर चुका हूँ। जो मुर्गप्पा ग्रुप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है और मुर्गप्पा ग्रुप का कौन सा ब्रांड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कंट्रोल कर रहा है, यानी वो ब्रांड के अंदर आता है, सब कुछ डिटेल्स वहां पे मैं बता चुका हूं। तो इस वीडियो में भी वो डिटेल्स कवर करके वीडियो को लंबा नहीं बनाना चाहता हूं, क्योंकि यहां पे बात करने के लिए बहुत सारा स्टफ है इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के बारे में। तो अगर आप मुर्गप्पा ग्रुप के इन्वेस्टमेंट को लेकर या कंपनी को रिलेटेड लेकर कुछ इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, यहाँ पे आई कार्ड में या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके वो वाली वीडियो देख लेना। इस वीडियो के बाद जब भी मजा आएगा मुर्गप्पा ग्रुप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकता है और कितना अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता है, ये सब आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मुद्दे की बात की जाए तो मुर्गप्पा ग्रुप जो मंत्रा इलेक्ट्रिक्स है, ये वाला ब्रांड के अंदर जो पहला इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर लॉन्च हुआ है, इसको सुपर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा का नाम दिया है इन्होंने। तो वैसे ही ये नाम के हिसाब से ही इसके अंदर स्पेसिफिकेशन भी काफी नए हैं और काफी यूनिक है, और मेरे ख्याल से इंडिया में पहली बार भी कुछ ऑप्शंस इन्होंने यहाँ पे इस ऑटो के जरिए इंट्रोड्यूस किया है। तो हम शुरुआत करते हैं बेसिक स्पेसिफिकेशन के साथ। तो मंत्रा का ये सुपर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा L5M कैटेगरी में और ड्राइवर प्लस 3 पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी के साथ आता है। इसके अलावा भी इन्होंने पैसेंजर मॉडल के अंदर 3 वेरियंट लॉन्च किए हैं, पहला EPX और सेकेंड EPV और थर्ड जो टॉप वेरियंट है EPV 2.0। तो ये 3 वेरियंट इन्होंने इस इवेंट में लॉन्च किए हैं। इन तीनों के अंदर कुछ परफॉर्मेंस के हिसाब से इसका जो प्राइस भी बढ़ेगा और बैटरी कैपेसिटी भी बढ़ने वाली है, तो आप ध्यान से सुनना। और ये तीनों नामों में मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा तो भी यहां पे डाल दूंगा, आप मत कंफ्यूज होना। पहले डिजाइन से शुरू करते हैं। डिजाइन की बात की जाए तो यहां पे EPX का जो मॉडल है वो हार्ड टॉप के साथ आने वाला है। जो बाकी के 2 वेरिएंट है EPV और EPV 2.0, ये दोनों भी रिग्जिन टॉप के साथ आने वाले हैं। और फ्रंट के अंदर आपको हेडलाइट्स जो है वो काफी यूनिक देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऐसे हेडलाइट अभी तक अपन ने सुपर कार्स या इलेक्ट्रिक कार्स या टेस्ला कार्स से ऐसे बड़े बड़े कारों में ही देखे हैं। तो पहला वेरिएंट है EPX, उसके अंदर आपको ड्यूल बीम LED लाइट देखने को मिलेंगे। जो बाकी के दोनों वेरिएंट के अंदर हाई पावर हेलोजन लाइट देखने को मिलेंगे, जो दिखने में भी काफी यूनिक दिख रहा है और जो लुक है वो काफी हद तक ये हेडलाइट के जरिए बढ़ रहा है इस ऑटो रिक्शा का। और पीछे के साइड टेल लैंप्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड स्टाइलिश LED देखने को मिलेंगे, जो काफी यूनिक है, काफी यूनिक है, जितना तारीफ करे कम ही है, क्योंकि ऐसे फीचर्स, ऐसे स्टाइलिश हम कारों के अलावा इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा में नहीं देखें। एक बात कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, काफी सारे इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के रिव्यूज या डिटेल्स इस चैनल पे आपको बता रहा हूं, जो डिजाइन के मामले में ज्यादातर आपको बताने का मूड नहीं करता है, क्योंकि जो ही कॉपी पेस्ट इलेक्ट्रिक के अलावा भी आप देखेंगे तो जो पेट्रोल CNG होते हैं वही कॉपी पेस्ट चल रहा है। महिंद्रा के अलावा, महिंद्रा का ट्रियो है, उन्होंने भी बेसिक जो प्लेटफॉर्म से शुरू किया था, थोड़ा बहुत लुक चेंज मिलता है, लेकिन यहां पे है जो काफी यूनिक मंत्रा के सुपर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा में देखने को मिलता है आपको। अगर हम इस ऑटो रिक्शा की बिल्ड क्वालिटी की देखा जाए तो मेटल से बनी हुई बॉडी देखने को मिलती है, जो नई चेसी हमें देखने को मिलती है। जो पहले ही बता चुका हूं मैं, जितने भी पुराने ऑटो रिक्शा होते हैं एक ही चेसी आपको देखने को मिलती है, कहीं से कहीं आप रिलेट कर पाओगे कि सेम ऑटो रिक्शा आपको कॉपी पेस्ट करके थोपा जा रहा है। लेकिन यहां पे पहली बार इंडियन मार्केट के लिए शायद मुर्गप्पा ग्रुप स्क्रैच से काम किया है, उसीलिए यहां पे परफेक्ट तरीके से इस ऑटो रिक्शा को लॉन्च किया गया है और बनाया गया है इंडियन मार्केट के लिए। यही चाहिए यार हमें, और क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा चला रहे हैं तो यही एक्सपेक्टेशन होता है, क्योंकि उसके अंदर चलाने में भी थोड़ा बहुत कम खर्चा आता है इस पेट्रोल CNG से कंपेयर करेंगे तो हमें एक कंफर्ट से ऑटो मिली है, तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि फील ऐसी आनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा चला रहे हैं तो एक कार का फीलिंग आना चाहिए। कहीं पे भी आप
आपके समझो गांव में ये लाइन लगी होती है, तो आप अगर लेते हैं तो इस इलेक्ट्रिक रिक्शा लगाते हैं तो सब इसी के अंदर बैठना चाहिए। ऐसी ऐसी स्टाइलिश के साथ इन्होंने मुर्गप्पा ग्रुप लॉन्च किया है। थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है, लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूँ। जितने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के बारे में मैं रिव्यू कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ, लेकिन वही घिसा पटा सा, खाली परफॉर्मेंस में कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन ये वाले ऑटो रिक्शा में आपको भर भर के नए ऑप्शंस भी देखने को मिल रहे हैं और नया लुक भी देखने को मिल रहा है, तो थोड़ी बहुत तो तारीफ बनती है यार। अगर इस सुपर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की बॉडी डायमेंशंस की बात की जाए तो यहाँ पे 9 फीट का लेंथ आने वाली है और 4.4 की वेड्थ और हाइट 5.7 फीट की हाइट मिलेगी। काफी अच्छी हाइट भी देखने को मिल सकती है इस ऑटो रिक्शा में। व्हील बेस 2010 mm का व्हील बेस देखने को मिलता है और ग्राउंड क्लियरेंस 207 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, जो काफी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है इस ऑटो रिक्शा के अंदर। ओवरऑल अगर इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की ग्रास व्हीकल वेट बात की जाए तो जो पहला वेरियंट है EPX, उसका ग्रास व्हीकल वेट है 770 kg का होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हार्ड टॉप आने वाला है तो यहाँ पे कुछ वेट बढ़ने वाला है। बाकी के दोनों में भी जो EPV है उसके अंदर आपको 749 kg और EPV 2.0 के अंदर आपको 756 kg का देखने को मिलता है। यहाँ पे रिक्जिन होने पर भी थोड़ा वेट क्यों ज्यादा दिख रहा है वो आगे पता चलेगा आपको। यहाँ पे टायर का साइज देखा जाए तो इसके अंदर 3.7x12 इंच के टायर देखने को मिलते हैं 21% ग्रेडेबिलिटी के साथ। काफी अच्छा ग्रेडेबिलिटी भी यहाँ पे देखने को मिला है, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा का पिकअप काफी अच्छा मिलने वाला है इस ऑटो रिक्शा के अंदर। ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर यहाँ पे ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलेंगे फ्रंट में भी और बैक में भी। मैं कहूंगा इसके अंदर कुछ अपग्रेड करना चाहिए था मुर्गप्पा ग्रुप को, क्योंकि यहाँ पे डिस्क का रिवोल्यूशन चल रहा है अभी, तो आप फिर से वही पुराने वाला ड्रम ब्रेक्स यहाँ पे दिए हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्क ब्रेक होना चाहिए था। सस्पेंशन की बात की जाए तो यहाँ पे डुअल फोर्क हेलिकल स्प्रिंग सस्पेंशन फ्रंट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। रेयर के साइड आपको हेलिकल स्प्रिंग शॉक ऑब्जर्व सस्पेंशन के साथ देखने को मिल सकते हैं। एक और बात यहाँ पे नवी जुड़ी है, वो है रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, इसके अंदर भी आपको मिलने वाला है। काफी अच्छा फीचर है, इसकी वजह से हम थोड़ा रेंज भी बढ़ सकता है हमारे इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर। अगर ड्राइविंग मोड्स की बात की जाए तो आपको नए स्टार्टअप्स या नए जो कंपनी आ रहे हैं उसके अंदर आप ड्राइविंग मोड्स के देखा जाए तो वही जो पुराने वाला जो सिलेंडर का ऑन ऑफ बटन होता है उसी का जुगाड़ करके आपको दिया, ऐसा फील आता है। लेकिन इसके अंदर आपको एक अलग ही फीलिंग आती है, जो आप अगर ऑटोमेटिक ड्राइविंग कार्स या इलेक्ट्रिक कार्स देखे हैं उस तरह का फीलिंग इसके अंदर आने वाला है। ड्राइविंग मोड्स तो यहाँ पे वही है, लेकिन एक्स्ट्रा एक और दिया है यहाँ पे पार्क असिस्टेंट। पार्क असिस्टेंट शायद मैं गलत नहीं हूँ, इंडिया में पहली बार थ्री व्हीलर्स के अंदर पार्क असिस्टेंट यहाँ पे मंत्रा इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा में पहली बार मिल रहा है। उसके बाद आपको आता है इको मोड, जो इको मोड है वो आपको ज्यादा रेंज देने में मदद करता है। और दूसरा आता है आपको ड्राइव मोड, जो नॉर्मल स्पीड से आपको ड्राइव कर सकते हैं। और दूसरा आता है पावर मोड, ये पावर मोड जो बाकी ऑटो रिक्शा के अंदर बूस्ट मोड के नाम से आता है, तो यहाँ पे पावर मोड दिया है। उसके बाद आता है रिवर्स मोड। मोड्स तो कहने के लिए काम तो वही है, लेकिन देने का तरीका जो है वो काफी यूनिक है। जैसे कि पुराने जितने भी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आए हैं उसके अंदर आपको काफी ओल्ड फैशन का या तो जुगाड़ करके आपको लगा के दिए, ऐसे फील आता है। लेकिन यहाँ पे देखो एक स्क्रैच से काम करने का तरीका यही होता है और यही फायदा होता है। यहाँ पे जब एक इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म बनता है तो उसके अंदर सभी डिटेलिंग कवर हो जाती है, जो काफी अच्छा डिटेल यहाँ पे कवर किया है मुर्गप्पा ग्रुप में। एक और बात यहाँ पे बहुत अच्छी लगी है मुझे, जो एक स्टेप आगे बढ़े हैं सभी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के सभी कंपनी से कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे इस मंत्रा सुपर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर आपको 4.3 इंच का LED स्क्रीन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, जो बाकी ऑटो में बहुत बहुत बेसिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। ये बहुत पसंद आया मेरे को। मैं कुछ वीडियोस पहले ही कह चुका हूँ कि ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का रेवोल्यूशन कब स्टार्ट होगा, शायद यहीं से इन्होंने स्टार्ट किया है, तो काफी अच्छा लगा मेरे को ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख के। तो ये तो हो गए बेसिक स्पेसिफिकेशन, इसके अंदर काफी नए फीचर्स पे हमें देखने को मिले हैं। तो बात आती है परफॉर्मेंस की, जो मेन स्पेसिफिकेशन होते हैं उसके अंदर क्या उसके अंदर भी इन्होंने इतना यूनिक काम किया है। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं टॉप स्पीड की, तो यहाँ पे 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इन्होंने दी है, जो बाकी ऑटो रिक्शा से ज्यादा ही है इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर। एक और बात इन्होंने यहाँ पे कवर की है, जो 0 से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 4 सेकंड के अंदर पकड़ने वाली है, यानी ये भी यूनिक ऑप्शन इन्होंने ऐड किया है, जो बाकी ऑटो रिक्शा वाले कोई भी कवर नहीं करते। यहाँ पे कंपैरिजन करने का मन कर रहा है मेरे को, लेकिन
लेकिन चलो नेक्स्ट वीडियो में हम एक वीडियो बनाएंगे, आप नीचे कमेंट जरूर करना किस ऑटो के साथ इसको कंपैरिजन किया जाए। अगर रेंज की बात की जाए तो इन्होंने यहाँ पे रेंज का भी ख्याल रखा है, जो पहले जो वेरिएंट है ईपीएक्स और ईपीवी ये दोनों में सर्टिफाइड रेंज आपको 152 किलोमीटर का मिलता है और रियल वर्ल्ड रेंज जो है 118 किलोमीटर मिलता है सिंगल चार्ज पे। अगर टॉप वेरियंट की जो ईपीवी 2.0 का है उसका अगर देखा जाए तो सर्टिफाइड रेंज आपको 197 किलोमीटर और रियल वर्ल्ड रेंज जो है 155 किलोमीटर देखने को मिलता है। ये दोनों भी वेरिएंट के अंदर आपको रियल वर्ल्ड का जो है 5 किलोमीटर कम या ज्यादा हो सकता है। अगर हम बात करें इस रेंज देने वाली मोटर की पीक पावर की तो 10 किलोवाट की पीक पावर तीनों में भी आपको देखने को मिलेगी 60 Nm टॉर्क के साथ। बहुत ही अच्छा टॉर्क इस ऑटो रिक्शा में मिल रहा है। इस मोटर को पावर देने के लिए जो पहला वेरिएंट है ईपीएक्स और ईपीवी ये दोनों वेरिएंट के अंदर आपको 7.66 किलोवाट आवर की बैटरी देखने को मिलेगी और जो टॉप वेरिएंट है उसके अंदर 10 किलोवाट की बैटरी देखने को मिलेगी। जो वेट के मामले में मैंने कहा था कि आगे पता चलेगा, तो यहाँ पे टॉप वेरिएंट के अंदर जो बैटरी कैपेसिटी है वो ज्यादा है, उसी वजह से यहाँ पे इसका वेट भी ज्यादा है। और बताना चाहूंगा ये मोटर और बैटरी IP67 रेटेड है, यानी वाटर प्रूफ और डस्ट प्रूफ है। इसके अलावा जो बैटरी मिलने वाली है वो लिथियम आयन 48 वोल्टेज की बैटरी है। तो दोस्तों ये था इसका मेन परफॉर्मेंस। अगर वारंटी की बात की जाए तो यहाँ पर 3 साल की वारंटी तीनों में भी कवर हो रही है और साथ ही साथ सभी लोग आपको 80,000 किलोमीटर पे भी देते हैं, तो इन्होंने 1,00,000 किलोमीटर पे भी आपको वारंटी दे रहे हैं 3 साल के अंदर। अगर आप एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है और 1 साल के अंदर आपको रोड साइड असिस्टेंट का भी पैक मिलेगा जो इसी वारंटी के अंदर कवर करेगा। अगर आप एक्सटर्नल खरीदना चाहते हैं तो बाद में आप खरीद सकते हैं। चलो अब बात करते हैं प्राइसिंग की। जो प्राइस है इस सुपर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा का, पहला मॉडल नहीं पता, अभी कंपनी रिवील नहीं की है। सेकंड मॉडल ईपीवी, इसका जो प्राइस है 3,02,000 और टॉप मॉडल है उसका भी प्राइस अभी तक नहीं पता है, शायद कंपनी रिवील कर सकती है डिलीवरी टाइम तक। तो दोस्तों इस प्राइस रेंज के अंदर इस परफॉर्मेंस कैसा लगा नीचे जरूर कमेंट करके बताइए। हाँ एक और बात आप भूल रहे हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर भी कवर करना है हमें, तो रुके रहिए। मेरे ख्याल से वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन इस इलेक्ट्रिक ऑटो के बारे में ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ सकती है, ऐसा कहूंगा, इसीलिए वीडियो पूरा देखिए। और अगर एक्स्ट्रा फीचर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे लॉकेबल ग्लो बॉक्स हमें मिलता है और मोबाइल चार्जिंग के लिए यहाँ पे 12 वाट का सॉकेट हमें देखने को मिलता है। इन सभी के अलावा भी एक और यूनिक बात इसके अंदर यह है कि यहाँ पे मंत्रा ड्राइवर ऐप भी प्रोवाइड कर रहा है। इस ऐप के जरिए आपके ऑटो रिक्शा से आप कनेक्ट हो सकते हैं और आपकी अर्निंग और आपका जो बैटरी है उसको मॉनिटर कर सकते हैं और आपके जो ऑटो की हेल्थ है उसके अंदर आप देख सकते हैं। इनके अलावा भी अगर आपके डॉक्यूमेंट जैसे कि ऑटो के हमारे रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट या आपका ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, सब कुछ यहाँ पे इस ऐप के अंदर स्टोर कर सकते हैं। काफ़ी नए फीचर्स यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड किए हैं, काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। और इसके अलावा भी आपका जो ऑटो का सर्विसिंग है वो भी आपको रिमाइंड मिलते रहेगा इस ऐप के जरिए। दोस्तों मंत्रा सुपर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अलावा भी इस साल नवंबर या दिसंबर के अंदर कार्गो सेगमेंट के लिए कार्गो ऑटो रिक्शा भी लॉन्च होने वाली है और कंपनी की तरफ से बताया जा रहा है कि स्वैपिंग बैटरी से भी इन्होंने लॉन्च करने का प्लानिंग चल रहा है। और ओवरऑल मंत्रा का सुपर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के प्रोस अगर कॉस्ट के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे प्रोस तो काफी सारे हैं, जैसे कि LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और स्टोरेज के लिए एक डिक्की जो लगेज रूम होता है वो भी काफी अच्छा दिया है और स्टाइलिश लुक और हेडलाइट में भी काफी अच्छा काम किया है इन्होंने। अगर बात करें कॉस्ट की तो यहाँ पे कॉस्ट में तो ज्यादातर कुछ भी नहीं देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे LCD जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया है वो कलर के अंदर देते तो काफी अच्छा होता। इसके अलावा भी अगर चार्जिंग के टाइम बात की जाए वही पुराना वाला टाइमिंग, यानी 4 घंटे का टाइम लग सकता है यहाँ पे फुल चार्ज होने में। अगर फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन देते तो बहुत ही अच्छा होता, यहाँ पे फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन नहीं बताया कंपनी की तरफ से, शायद इन्होंने जो स्वैपिंग का ऑप्शन बताया मैंने वो वाला ऑप्शन के लिए इन्होंने यहाँ पे फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पे फास्ट चार्जिंग से भी स्वैपिंग बैटरी बहुत ही अच्छा होती है, क्योंकि 2 मिनट के अंदर आप बैटरी स्वाइप करके अपने काम पे लग सकते हैं, शायद इसी वजह से इन्होंने यहाँ पे फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन की बात नहीं की है। इसके अलावा भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले मॉडल्स के अंदर फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन लेके आए। तो दोस्तों ये थे मंत्रा के सुपर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के सभी स्पेसिफिकेशन। इसके अलावा भी महिंद्रा रिसेंटली कार्गो सेगमेंट के लिए महिंद्रा जोर ग्रैंड को लॉन्च किया है, वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके देख लीजिए। और इसी तरह के इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के सभी वीडियोस के अपडेट्स आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके
चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं महिंद्रा जोर ग्रैंड के वीडियो के अंदर। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।